मोदी, जो चाय पर चर्चा में लोगों को बताता था कि देश के बाहर इतना काला धन है कि वह आ जाए तो हर एक के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। आज देखिए उसका तथ्य। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद मोदी सरकार ने उन काले धन वालों के नाम तक सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की है जिसकी सूची विदेशी बैंकों ने सरकार को दे दी है। एक था मोदी जो माँ बेटे की सरकार को जमकर कोसता था कि उसकी सरकार आते ही सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेसी जेल में होंगे। अब देखिए इस बात का तथ्य, 3 साल में उल्टे सारे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया गया है। एक था मोदी जो महंगाई को माँ बेटे की सरकार की देन बताता था और उसके मूर्ख चेले चपाटे मोदी सरकार आते ही डॉलर 32 रुपए का करवा रहे थे। डॉलर अपने सबसे महंगे स्तर पर है, रुपया दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है और सभी अन्य देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो गई, पर भारत में अब भी पेट्रोल 70 रुपए तक बिक रहा है। सभी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। GST लगाने की वजह से सब कुछ महंगा हो गया है, मगर अब इसे ही विकास बताया जा रहा है। एक था मोदी जो भरोसा दिलाता था कि उसके आते ही आतंकवाद दम तोड़ देगा। दिनों दिन आतंकी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले सालों में शांत रहा कश्मीर, आज BJP की सरकार आने के बाद हर रोज सुलग रहा है, लेकिन इसे ऑल इज वेल की श्रेणी में रख दिया गया है।